हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 5 का हिंदी सुरभि का लेसन 12, मेरी जिंदगी की सच्चाई। यह कहानी एक ऐसी लेखिका पर आधारित है जो सुन और देख नहीं सकती थी, लेकिन उसे एक अच्छी शिक्षिका जिनके धैर्य, प्रेम और प्रेरणा मिलने के कारण एक प्रसिद्ध लेखिका बना दिया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि इच्छा शक्ति हो तो हम कोई भी कठिन से कठिन काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, हम आज पढ़ने जा रहे हैं हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर कौन थी और वे किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ीं। 3 मार्च 1887 में 7 साल की होने वाली थी। एक दिन मेरी टीचर एन सुलेविन मेरे घर आई और उस दोपहर मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी चुपचाप। घर में ही हो रही हलचल से मुझे लगा कि आज कुछ खास होने वाला है। तभी मुझे पास आते हुए कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, किसी ने मेरे हाथों को थामा, मुझे उठाया और गले से लगा लिया। ये हेलन केलर अपनी स्वयं की जो कहानी उन्होंने लिखी है उसके बारे में बता रही हैं। अगली सुबह मेरी टीचर सुलेविन ने मुझे एक गुड़िया दी। मैं कुछ देर उसके साथ खेलती रही, फिर मेरे हाथ पर उन्होंने अपनी उंगली फिराकर डॉल लिखा। मुझे उंगली के उस खेल में बहुत मज़ा आया। मैं झट उसकी नकल करने लगी। जब मैं सही तरीके से उसे कर पाई तो लगभग दौड़ते हुए मैंने सीढ़ियां पार की और अपनी माँ के पास पहुँची। अपनी बाँह आगे कर उस पर डॉल लिखा। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अभी अभी जो लिखा है वह किसी शब्द के हिज्जे हैं। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि शब्द भी कोई चीज़ है। मैं तो हाथ पर एक खास तरह से बस उंगली फिरा रही थी। आने वाले दिनों में मैं इसी तरह कई शब्द सीखे, जैसे पिन, हैट, कैप और कई क्रियाएं भी, जैसे सिट, स्टैंड, वॉक आदि। मैंने इन शब्दों को बस लिखना सीखा। शब्दों के अर्थ भी होते हैं, यह तो मैं अपनी टीचर के साथ कई हफ्ते गुजारने के बाद ही जान पाई। एक दिन मैं अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। मिस सुलेविन ने मेरी बड़ी सी गुड़िया को मेरी गोद में रखा और मेरे हाथ पर लिखा डॉल। वे मुझे समझाना चाह रही थीं कि उनके द्वारा मुझे दी गई और मेरी पहली गुड़िया दोनों ही डॉल हैं। उस दिन सुबह मग और वाटर शब्दों को लेकर मुझे काफ़ी उलझन हुई थी। सुलेविन ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मग और वाटर अलग अलग हैं, लेकिन मैं लगातार इसका विरोध करती रही। आखिर तंग आकर उन्होंने बातचीत बीच में ही छोड़ दी। उनकी बार बार की कोशिशों से खींचकर मैंने गुड़िया को ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। तब उसके चिथड़ों को मैंने अपने पांवों पर महसूस किया तो मुझे खुशी हुई, ना बुरा लगा ना कोई अफसोस हुआ। मैं जिस अंधेरी दुनिया में जी रही थी वहाँ प्रेम प्यार की गुंजाइश कम ही थी। मुझे आभास हो चुका था कि मेरी टीचर गुड़िया के बिखरे चिथड़े बुहार रही हैं। मुझे लगा कि अच्छा हुआ मुझे तकलीफ़ देने वाली चीज़ का हमेशा के लिए सफाया हो गया। फिर उन्होंने अंदर से टोपी लाकर मुझे पहनाई। मैं समझ गई कि हम बाहर जा रहे हैं। बिना शब्दों वाले इस विचार के दिमाग में आते ही मेरा मन चहक
गया। तो वो ये बता रही हैं कि किस तरह से सुलेविन ने अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे चीज़ों को सीखा। हम एक कुएं के पास गुजरे, वहाँ आसपास मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे, उनकी खुशबू हर ओर फैली हुई थी। कोई कुएं से पानी निकाल रहा था, मेरी टीचर पानी की तेज़ धार के पास मेरा हाथ ले गई। जैसे ही ठंडा पानी मेरी वहाँ पर गिरा, उन्होंने मेरे हाथ पर धीरे से लिखा वाटर, पहले एक बार फिर बार बार। मैं बिना हिले डुले बूत बनी खड़ी रही, मेरा पूरा ध्यान उनकी उंगलियों की हरकत पर था। जैसे अचानक मेरे आगे भाषा का रहस्य खुल गया था, मुझे पता चल गया कि वाटर यानी वह ठंडी चीज़ जो अभी अभी मेरे हाथ पर बह रही थी, इसका कोई अर्थ भी है। उस जीते जागते शब्द ने मेरे अंदर नई आशाएं और उम्मीदें जगा दी। यह सच है कि सीखने के रास्ते में कई दिक्कतें आईं, पर समय के साथ उनको दूर होना ही था। सीखने की ललक से भर कर हम तेज कदमों से घर की ओर चल दिए। रास्ते में जिस भी चीज़ को मैंने छुआ, मुझे वह जीवन से भरी लगी। घर की चौखट पर पहुंचते ही मुझे उस गुड़िया की याद आई जिसे मैं टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। उन टुकड़ों को समोट कर मैंने जोड़ने की नाकाम कोशिश की, मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। पहली बार मुझे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। स्टोरी है ये, स्टोरी ऑफ माय लाइफ, हेलेन केलर। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने जीवन में एक जीवन की एक घटना के बारे में इस कहानी के माध्यम से बताया है कि वह कैसे पढ़ना सीखी। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ की तरफ चलते हैं। हलचल, हलचल यानि शोरगुल, खींच कर झुंझलाना या कुड़ना, गुंजाइश अवकाश या स्थान, हरकत हिलना डुलना, दिक्कत कठिनाई, चौखट लकड़ी का चौकोर ढांचा, हिज्य यानि वर्ण या अक्षर, चिथड़े यानि फटा पुराना कपड़ा या रद्दी कपड़ा या जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हों, भूत यानि प्रतिमा या मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़े रहना, रहस्य यानि राज या गुप्त बात, ललक यानि जिज्ञासा, और नाकाम का अर्थ है असफल। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा पाठ 12, मेरी जिंदगी की कहानी। अब इसके सॉल्यूशंस आपको अगली क्लास में भेज दिए जाएंगे। तब तक आप इसको YouTube के चैनल पर संतोष बहरे पर भी देख सकते हैं, और उसे देख के साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं, जिससे आपकी क्लास का अगला वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चले।